मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो, एक वो दिन था जब तुम मेरे पास आने से डरती थी। बोलो। चौक सपाट विनी, आज मेरे पापा ने बताया कि तुम्हारे और हमारे खानदानों के बीच में खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रजता एंड यू आर वाचिंग ट्रेवल्स इंडिया। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्षत्रिय मूवी की शूटिंग लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। उस मूवी के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जब भी सनी देओल और रवीना मैम छुप के एक जगह के ऊपर मिलते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो जगह कौन सी है। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, मैंने क्षत्रिय मूवी के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। और आज का जो वीडियो है वो भी टोटली नया है और मेरे को नहीं लगता कि आज से पहले ये वाला वीडियो किसी ने बनाया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसलिए बात करते हैं कि अब मैं आया कहाँ पर हूँ। तो मैं हूँ जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर एक जगह है मंडोर गार्डन करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है फिल्म शूटिंग लोकेशन के लिए, और जोधपुर का ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो इसी जगह के ऊपर हम साथ साथ मूवी की भी शूटिंग हुई है, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस गार्डन के अंदर और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे जो सीन है वो शूट करे गए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मंडोर गार्डन है, मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर ये उसका मेन अट्रैक्शन, लोग इनको मंदिरों को देखने के लिए काफ़ी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर ये कुछ ऐसा है। तो चलिए मैं अभी आपको थोड़ा पहले इधर से दिखा रहता हूँ और इसके पीछे की साइड पर यहाँ पर जो सीन है वो शूट करे गए थे। और यहाँ पर गार्डन है तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं शाम को। तो अगर आप जोधपुर से हो तो डेफिनेटली आइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सामने वाला जो है इसके पीछे के साइड वहाँ पर जो सीन है वो शूट करे गए थे, लेकिन मेरे को ये वाला भी काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को ये भी दिखाता चलूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। किसी टाइम पर यहाँ पर पानी हुआ करता था और ये जो आप देख सकते हैं ये फाउंटेन चला करते थे, वो बहुत ही खूबसूरत लगता था। और हम साथ साथ है मूवी उसके अंदर भी इसके उधर की साइड का एक जो सीन है वो शूट करा गया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उधर की साइड जहाँ पर जो बाकी है वो सीन है वो शूट करे गए थे। तो चलिए अभी अपन चलते हैं इधर की साइड से। मैं थोड़ा सा ये वीडियो को थोड़ा सा अलग टाइप से बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हम साथ साथ वाला भी देखोगे और ये देखोगे तो आपको अलग अलग फील आएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर उधर की साइड के एरिया को कवर करा था और आज मैं इधर की साइड के एरिया को कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत एक फाउंटेन है और यहाँ पर बंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बंदरों के साथ साथ यहाँ पर टिकटॉकर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार ये, और वहाँ पर सामने कितने सारे बंदर हैं। और यहाँ से आप देख लीजिए ये वाला, और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे खेलते हुए। तो चलिए अभी मैं आपको उधर सामने की साइड लेके जाता हूँ और आपको सीन टू सीन मैच करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका हूँ जिस लोकेशन के ऊपर क्षत्रिय मूवी की शूटिंग हुई थी, और अभी मैं आपको जो व्यू दिखाने वाला हूँ वो देख के आप सिर्फ यही बोलोगे रजत भाई क्या ही दिखा दिया यार, मतलब इतना ही प्यारा व्यू है यहाँ का। तो आर यू रेडी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला वो व्यू है, मतलब कितना ही प्यारा है। और इसी जगह के ऊपर जो क्षत्रिय मूवी है उसका एक जो सीन है वो शूट करा गया था, जब भी रवीना मैम और जो सनी पाजी रहते हैं वो एक जगह के ऊपर मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो वाले जो सीन है वो मेरे पीछे यहाँ पर शूट करे गए थे। तो चलिए मैं अभी आपको सीन टू सीन मैच करके दिखा रहता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्षत्रिय मूवी का जो एक जो सीन है वो यहाँ पर शूट करा गया था, जब भी जो सनी देओल और जो रवीना टंडन मैम रहती है वो छुपके से एक जगह के ऊपर मिलते हैं, तो वो वाली जगह यही होती है। आप यहाँ पर सीन टू सीन मैच करके देख सकते हो, पहला जो सीन है वो यहाँ से ऐसे फूल दिखाया गया था जिसमें जो रवीना मैम है वो सामने से भागते हुए आती है।
और फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हुए जो मैम को है वो थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक सीन के अंदर आपको ये जो सामने वाला जो कॉर्नर है ये भी देखने को मिलता है। और फिर ऐसे करते हुए जो कैमरा एंगल है वो ऐसे पास चला जाता है और उनका एक जो क्लोजअप सीन है वो दिखाया जाता है इस वाली जगह के ऊपर। यहाँ पर आप सीन टू सीन मैच करके देख सकते हो और ये पूरी की पूरी लोकेशन कुछ ऐसी है। और उसके बाद जो है वो एक सीन यहाँ से लिया गया था। फिर एक जो सीन है वो इस वाली जगह के ऊपर लिया गया था। आप देख सकते हो ये वाला जो पेड़ है इस पेड़ के टेका लगा के यहाँ पर सनी देओल सर बैठे रहते हैं। आप यहाँ पर सीन टू सीन मैच करके देख सकते हो और बैकग्राउंड में जो है आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर सीन टू सीन मैच करके देख लीजिए और फिर आगे के जो सीन है मैंने वो आपको बता ही दिए इस वाली जगह के ऊपर। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इधर से कुछ ऐसा है। करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ वाले बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।